आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ Vivo V35G। जब हमने आपको पार्ट वन दिया था दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया और आपके ना सभी कमेंट्स यही आ रहे थे कि भाई इसका पार्ट टू बनाओ। तो इस वीडियो के अंदर भी आज हम Vivo V30 के आपको बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाले हैं, जिनसे आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके जो पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पार्ट वन जाकर देख सकते हो। उसके अंदर भी मैंने बहुत ही कमाल के हिडन फीचर्स बताए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये देखोगे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे क्लियर कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। फिर बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। इसको देखने के लिए ना आपको एक सेटिंग को ऑन करना रहता है, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाना है, इसको ऑन कर लेना है दोस्तों। अब आप ऊपर से यहाँ पे जो भी क्लियर करोगे यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। तो यार ये फ्यूचर के अंदर आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपसे आपका कोई दोस्त मोबाइल मांगता है कि भाई मुझे ना यहाँ पे कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार ये कॉल का बोल करना कोई मेरी पर्सनल यहाँ पे फोटोज वीडियोज वगैरह ना देख ले, या फिर आपने अपने बच्चों को यहाँ पे मोबाइल देते हो कि यार वीडियोज वगैरह देखने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक है कि यार ये पढ़ाई का बोलकर कोई दूसरा काम ना करने लग जाए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करेगा ना तो आपको पहले पता चल जाएगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहां पर आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ठीक है। और अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, अगर लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ पे इससे यहाँ पे लॉक लगा भी सकते हो, पैटर्न वगैरह पिन लॉक जो भी लगाना चाहो यहाँ से आप लगा सकते हो। अब जैसे कि किसी ने आपको कॉल के लिए दिया ठीक है, अब कॉल को ओपन कीजिए और यहाँ पे रेसेंट एप्स पे जाइए, इसके ऊपर प्रेस कीजिए, इसको पिन कर दीजिए। अब दोस्तों अगला वाला इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा बैक नहीं जा पाएगा। अब बैक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रेसेंट एप्स बटन है इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है। अब आपका ऐप जो है अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर दोस्तों अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है ना तो जब तक आप लॉक नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो यार ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यार आप वीडियो में इतना खो जाते हो कि यार लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों कभी कभार आप ना एक हाथ से मोबाइल को चलाते रहते हो ठीक है, अब मुझे क्या करना है देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को ओपन करना है, तो आप यहाँ से ऐसे करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर मैं यहाँ से करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, यहाँ से करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, मुझे यहाँ से ऊपर ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है। ये देखिए होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए आपको स्वाइप डाउन होम स्क्रीन के ऊपर जाकर नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। आपके यहाँ पे ग्लोबल सर्च होगा, नोटिफिकेशन सेंटर कर लीजिए, फिर आप भी इसका फायदा उठा पाओ। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी किसी के पास कॉल आती है तो उनकी जो फ्लैश लाइट है ना ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाती है, तो ये आपके मोबाइल के अंदर भी हो सकती है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर, नीचे जाना है और ये देखिए फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। फिर दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी ना तो आपकी जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाएगी। अगर आपका फोन म्यूट भी रहेगा ना तो आपको फ्लैश लाइट से पता चल जाएगा कि हाँ यार अपने मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। दोस्तों क्या आपको पता है अपने मोबाइल के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग विजिट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए क्लीनअप यानी कि आपके जो भी वायरस वगैरह होते हैं उसको क्लियर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए म्यूजिक वगैरह को स्क्रीन पे लेके जाना चाहो, या फिर देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे स्टेट्स मिल जाएंगे यानी कि आप पूरे दिन में कितने कदम चलते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखूंगा और इसको होम स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आप पूरे दिन में जितने भी कदम चलोगे यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ऑन कर लेना है, जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी हाइट क्या है, वेट कितना है, पूरा यहाँ पे कर दीजिए। फिर दोस्तों आप जब भी पूरे दिन में कितने भी कदम चलोगे वो यहाँ पे आपके शो होते रहेंगे कि पूरे दिन में आप कितने कदम चलते हो। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल के अंदर ना यहाँ पे देखिए स्मार्ट साइड बार मिलता है, देखिए यहाँ से ना मैं अलग अलग ऐप को ओपन कर सकता हूँ या फिर देखिए सारे ऐप्स यहाँ पे ला सकता हूँ। तो ये आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो और इसके अंदर ना और भी बहुत सारे आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर
और यहाँ पे देखिए आपको जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा, अब इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको इसको कितना दिखाना है, देखिए ज्यादा दिखाना है कम दिखाना है वो पूरा यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसे करोगे तो आपके एप्स वगैरह आ जाएंगे, यानी कि काफी ज्यादा आसान हो जाएगा चलाने के अंदर, आपको बार बार एप वगैरह को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ना कुछ स्क्रीन शॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन से तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पर दोस्तों आप इसे थ्री फिंगर से भी स्क्रीन शॉट ले सकते हो। देखिए ऐसे करोगे स्क्रीन शॉट आ जाएगा और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप ना एक ही फोटो के अंदर ही देखिए कितना लंबा स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक ही फोटो के अंदर हमने इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है, यानी कि आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़ेंगे और ना ही दोस्तों आपको ना यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी। आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे और यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहो जो भी लिख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह एड करना चाहो म्यूजिक वगैरह भी एड कर सकते हो। दोस्तों आप ना अपने मोबाइल के अंदर ये देखिए वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को साथ में चला सकते हो। जैसे कि आपने अपने दोस्त से वाईफाई पकड़ा रखा है, ठीक है, अब अपना आप हॉटस्पॉट खोलकर किसी दूसरे दोस्त को अपना मतलब इंटरनेट देना चाहते हो तो दे सकते हो, यानी कि वाईफाई और हॉटस्पॉट देख सकते हो दोनों साथ में चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपके बच्चे ये देखिए आपके जो पर्सनल यहाँ पे एप्स आप रखते हो इनको इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि देखिए इधर छेड़ के इसको इधर कर देते हैं, तो आप चाहते हो कि कोई भी ना इनको छेड़ ना सके, ये जहां है वहीं रहे, तो इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए लॉक लेट को ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों ये देखिए आपके जो एप्स है इनको कोई भी छेड़ नहीं सकता है, देखिए यहाँ से मतलब हिलेंगे नहीं। तो दोस्तों इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार हमारे जो पर्सनल एप्स है वो हमारे बच्चे इधर उधर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखिए कुछ इस तरह से, मैं जैसे इसके ऊपर ऐसे करूंगा डबल टैप करूंगा तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है, और इसके ऊपर ऐसे प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे फ्लैश लाइट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूंगा तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो देखिए बढ़ रही है, देखिए वॉल्यूम को बढ़ाना है तो इसको प्रेस करके रखना है, देखिए वॉल्यूम बढ़ जाएगी, देखिए ऐसे प्रेस करके रखोगे आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसको ना आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि कोई ऐप वगैरह ओपन करना है, वॉल्यूम को कम करना है, मोबाइल को साइलेंट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इस फीचर को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको इजी टच का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले इसको ऑन कर दीजिए, मैंने इसको ऑन कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए कस्टमाइज मेन्यू के अंदर जाकर जैसे कि मैं इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है, देखिए इसके ऊपर ऐसे ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको फ्लैश लाइट सर्च इजी टच स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो भी ऐप रखना चाहोगे देखिए ऐड करके यहाँ पे कुछ भी रखना चाहो वो यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ से जैसे ही देख जाएंगे जैसे कि टैब के ऊपर हमने ओपन मेन्यू कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जस्ट डाउन कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने डबल टैब के ऊपर स्क्रीनशॉट का कर रखा है तो यहाँ पे जस्ट डाउन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वापस करता हूँ, देखिए डबल टैप करूंगा यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहो यहाँ पे ओपन करवाना चाहो बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वो जैसे आप बैक जाओगे तो ये देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, टैप एंड होल्ड, ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके रखा तो आवाज बढ़ जाती है, तो इसको भी आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, फ्लैश लाइट को ऑन करवा लीजिए या फिर दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज मेन्यू, होम स्क्रीन, बैकग्राउंड, बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों होल्ड एंड स्लाइड डाउन, यानी कि आप इसको प्रेस करके नीचे करोगे तो भी यहाँ पे कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो, होल्ड एंड स्लाइड अप करोगे यानी कि इसको प्रेस करके ऊपर लेके जाओगे तो भी अलग अलग चीजें ओपन करवा सकते हो। और ये कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है वो भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि देखिए हाइड वगैरह हो जाता है ऑटोमेटिक, अगर आपको हाइड नहीं करना है तो उसको बंद कीजिए, ऑटोमेटिक हाइड करना है तो देखिए वो 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो यार ये फीचर ना आपके मोबाइल को चलाने के अंदर बहुत ही ज्यादा आसान कर देगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे आपको 3 बटन शो हो रहे होंगे, पर आप चाहते हो कि यार मुझे ये बटन शो नहीं करवाने हैं, मुझे इन बटन्स को हाइड करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, आपके यहाँ पे बटन वगैरह कुछ भी शो नहीं होंगे, बैक वगैरह जाने में ना फिर काफी ज्यादा मजा भी आएगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे सबसे नीचे जाओगे सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन कर लीजिए। अब देखो कि नीचे के बटन्स हाइड हो चुके हैं, अब आप बैक वगैरह कैसे जाओगे, देखिए ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखोगे रेसेंट एप्स आ जाएंगे। तो यार दोस्तों ऐसे बैक वगैरह जाने में भी ना काफी ज्यादा मजा आता है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप एक साथ में 2 एप्स को कैसे चला सकते हो, पर इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि आप एक साथ में 3 एप्स को कैसे चला सकते हो। जैसे कि आपको जाना होगा रेसेंट एप्स के ऊपर, एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा इसके ऊपर जाना है, अब इसको स्मॉल विंडो के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब जैसे कि मैं गैलरी को ओपन करता हूं, आपको 3 फिंगर से ऐसे ऊपर लेके जाना है, क्रोम को ओपन कर लेता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे आपका क्रोम भी चल रहा है और आपका जो गैलरी है वो भी चल रहा है, देखिए गैलरी को भी चला सकते हो और ये आपका जो क्रोम है ये भी आपके यहाँ पे चल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक साथ में 3 एप्स को चला सकते हो, और ये देखिए इसको इधर उधर कहीं भी लेके जाना चाहो तो ये देखिए लेके जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको माइनस में करोगे तो देखिए इतना सा यहाँ पे ओपन हो चुका है,
और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए ये भी चल रहा है और साथ साथ में आपकी जो गैलरी है वो भी चल रही है। और जैसे कि मैं गैलरी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्रोम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्रोम को बड़ा कर सकता हूँ। और जैसे ही फिर से कैलकुलेटर को ओपन करना चाहूंगा, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा पूरा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो ऐसे करोगे तो पूरा यहाँ पे कैलकुलेटर भी ओपन हो जाएगा। तो यार कुछ इस तरह से ना आप एक साथ में तीन एप्स को चला सकते हो। पर यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दी। दोस्तों आप ना अपने ये देखिए लोगो सेटिंग के लोगो, कॉन्टेक्ट के लोगो वगैरह है, इनको थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है। अभी देखिए राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन है, अभी देखिए इसको यहाँ पे अपनी मर्जी से कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से करना चाहो, जूम करना चाहो जूम कर सकते हो। देखिए चेंज हो चुका है, देखिए पहले ऐसे था अब ऐसे हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे लार्ज करना है तो लार्ज कर सकते हो, स्मॉल करना है तो स्मॉल भी कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे वो यहाँ पे कर लीजिए, फिर दोस्तों आपके जो आइकन है वो चेंज हो जाएंगे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि हम जो एप्स वगैरह है, जो फोटोज वीडियोज वगैरह, इनको कैसे छिपा सकते हैं। पर दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो एप आपने छिपाए हैं वो आपको शो कैसे करेंगे। मतलब वहां तो आपको शो हो जाते हैं, पर एक तरीका और बताता हूं। अगर आपको एप वगैरह छिपाने नहीं आते हैं तो आप पार्ट वन जाके देख सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो एप आपने छिपाए हैं उनको देखने के लिए आपको यहाँ पे जो टू फिंगर है इनको ऐसे ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पे जो आपने लॉक लगाया है वो लॉक लगाना है। और ये देखिए हमने अमेजोन को छिपाया था तो अमेजोन यहाँ पे शो हो रहा है। आप मतलब जो भी छिपाओगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम इधर उधर करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो इसके अंदर ना आप अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे आप होम सेटिंग्स के अंदर आओगे देखिए स्लाइडिंग इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए। या फिर देखिए फ्लिप वाला काफी अच्छा लगता है, तो जब भी आप इधर उधर करोगे ना तो भाई साहब काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छा फील होगा। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल के अंदर मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो ना, तो मैं आपको एक सेटिंग ऐसी बताने वाला हूँ जिससे ना जब भी आप मूवीज वगैरह देखोगे भाई साहब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगी। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे मैंने पहले के पार्ट में ये सेटिंग्स बता रखी है। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको विजुअल इनहेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको ऑन करने से क्या होगा आपके, देखिए यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है यूट्यूब नेटफ्लिक्स वीडियोस वगैरह। अब जब भी आप मूवीज देखोगे ना भाई साहब आपको बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। पर इसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि इसके अंदर बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है, तो अगर आपको बैटरी बचानी है तो इसको बंद रखिए। पर दोस्तों आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं, आपको बस कंटेंट अच्छा देखना है तो इसको ऑन करिए, फिर देखिए दोस्तों आपके कंटेंट बहुत ही अच्छा चलेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ना आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो अभी आपकी देखिए ये होगा, तो दोस्तों इसके अंदर ना यहाँ पे कुछ खास नहीं लगता है। पर दोस्तों आप जब भी इसके अंदर करते हो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिस्प्ले है, जो आप यहाँ पे फोटोज वीडियोज मूवीज वगैरह जो भी देखते हो डिस्प्ले के अंदर, भाई साहब बहुत ही कमाल की शो होती है। पर इसका भी वही नुकसान है दोस्तों, बैटरी थोड़ी सी ड्रेन ज्यादा होती है। अगर बैटरी की कोई परवाह नहीं है ना तो भाई साहब इसको ऑन रखिए, आप जब भी मूवीज वगैरह जब भी कोई फोटोज क्लिक करते हो स्क्रीन के अंदर कुछ भी देखोगे बहुत ही अच्छा दिखेगा। दोस्तों आपने देखा होगा आप जब भी मोबाइल को बंद करने की ट्राई करते हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आ जाता है, ये बोल रहा है कि भाई इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करेंगे तब बंद का ऑप्शन आएगा। पर आप चाहते हो कि यार मुझे ना पुराने तरीके की तरह चाहिए, जैसे कि हम पुराने तरीके के इसको यहाँ पे प्रेस करके रखते थे तो बंद का ऑप्शन आ जाता था, तो बिल्कुल आ जाएगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। और ये देखिए प्रेस एंड पावर बटन के ऊपर जाना है, इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है, एनेबल द पावर बटन कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए इसको प्रेस करके रखेंगे हमें बंद का ऑप्शन आ जाएगा, रिस्टार्ट करना है बंद करना है वो ऑप्शन आपके आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ना अपने मोबाइल को एकदम सिंपल बनाना है, जैसे कि हमारे पहले के मोबाइल्स आते थे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जैसे कि सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर जाना है। ये देखिए मैंने फीचर आपको पहले बता रखे हैं, आपको सबसे नीचे जाना है सिंपल मोड के अंदर। अब ये देखिए आपका मोबाइल एकदम कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ फोन मैसेजेस एल्बम वगैरह एकदम पुराने तरीके की तरह हो जाएगा अगर आप इसको ऑन कर लेते हो। तो अगर आपको कभी कभार ऐसे मतलब चाहिए कि यार मेरा मोबाइल एकदम सिंपल रहना चाहिए, कोई भी फालतू की चीजें नहीं मिलनी चाहिए, तो इसको ऑन कर लीजिए, फिर आपका जो मोबाइल एकदम सिंपल हो जाएगा। दोस्तों आप चाहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे अपने मोबाइल को एक हाथ से चलाना है, जैसे कि अब एक हाथ से चलाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गैलरी ओपन हो चुकी है पर मेरा अंगूठा यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है, तो भाई साहब एक हाथ से आप चला सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है ऐसे करना है, अभी देखिए आपका जो मोबाइल है वो छोटा हो चुका है, अब यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, एक हाथ से आप इजीली इसको चला सकते हो। या फिर आप इसको और भी कस्टमाइज या फिर बड़ा करना चाहते हो, देखिए छोटा करना चाहते हो, देखिए छोटा हो जाएगा, फिर और भी बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। देखिए जितना बड़ा रखना है जितना छोटा करना है अपनी मर्जी से कर सकते हो। पर अगर आपके मोबाइल के अंदर ये नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे नीचे जाना है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाने के बाद ये देखिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलेगा, ये अगर आपके ऑफ है
तो इसको ऑन कर लीजिए, फिर दोस्तों आप भी इसका फायदा उठा पाओगे। दोस्तों जब भी आप रात को मोबाइल चलाते हो और आपको चाहिए यार मुझे ना यहाँ पे ब्राइटनेस एकदम कम करनी है, पूरी आपने कम कर ली है फिर भी आपके ज्यादा अंधेरा रहता है, तो दोस्तों आपको मतलब यहाँ पे कोई भी देख लेता है कि यार ब्राइटनेस अभी भी चल रहा है, ये मोबाइल चला रहा है इतनी लेट तक, तो आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर है जिससे दोस्तों आपकी ब्राइटनेस और भी कम हो जाएगी। इसके लिए देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है ये यहाँ पे ऊपर लेके चले आना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा डिम को ऑन कर लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे इसको कम करोगे तो भाई साहब एकदम कम हो जाएगी, यानी कि सिर्फ आपको ही दिखेगा, कोई भी दूसरा देखेगा ऐसे लग रहा है कि मोबाइल ऑफ ही है। दोस्तों आपने सुना होगा कि यार आईफोन के अंदर यहाँ पे बैटरी के इतने परसेंटेज बचे, यानी कि बैटरी की जो हेल्थ है वो इतनी बची है, इतनी कम हो चुकी है। तो अब ना यार आप अपने व्यू वी 30 के अंदर भी अपनी बैटरी की हेल्थ को देख सकते हो कि कितनी बैटरी अभी हमारी बची है। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे देखिए बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी एंड हेल्थ के अंदर जाना है। अभी देखोगे हमारी बैटरी 100% है, तो जब भी आप चलाओगे इसको 1-2-3 महीने या फिर आप अभी अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखिए कि आपकी बैटरी ना कितनी बची है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो कितनी है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यार आपको ना पता होना चाहिए कि मैं पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से ऐप को यूज करता हूँ, आपके पास पूरे दिन में कितने नोटिफिकेशन आते हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके पास सेव रहती है, इसको देखने के लिए आपको ना सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाना है, ये देखिए डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंशियल कंट्रोल के अंदर जाना है। अभी आप देखोगे मैंने 22 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है और 5 बार इसका लॉक खोला है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये भी शो होगा कि मैंने क्या क्या ओपन किया। जैसे कि देखिए 40 बार सेटिंग्स को खोला है, वीवो एल्बम को खोला है 8 बार, और यहाँ पे एक दिन यानी पूरे 1 महीने की आप डिटेल देख सकते हो। जैसे यहाँ से हम बैक जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस, यानी कि मेरा मोबाइल अभी एकदम नया है तो ज्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह के आए हैं। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखिए कि आपके पास कितने नोटिफिकेशन आए हैं और कौन कौन से ऐप के अंदर कितने नोटिफिकेशन आए, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दिन के नहीं पूरे 1 महीने की डिटेल देख सकते हो कि 1 महीने के अंदर आपने पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज किया है, कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज किया, जैसे कि मैंने सेटिंग को यूज किया, एल्बम को यूज किया, क्रोम को यूज किया है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर एक बार जरूर देखिए कि आपका जो अपना कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि यार मैंने कोई भी हिडन फीचर नहीं बताया है तो आप Part 1 जाकर देख सकते हो दोस्तों, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे हिडन फीचर्स बताए हैं। और फिर भी दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पर यार आपने वीडियो को पूरी देखी है पर पता नहीं यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आने वाले ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाऊं। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।